मॉक टेस्ट, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, प्रश्न पत्र एक, सामान्य अध्ययन, जीएस। प्रश्न एक, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? एक, बेंगलुरु में, बी, हैदराबाद में, सी, नागपुर में, डी, नई दिल्ली में। उत्तर सी, नागपुर में। प्रश्न दो, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक, प्रकाश संश्लेषण दो श्वसन, तीन, जैव पदार्थों का अपक्षय, चार, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है? ए, केवल एक और चार, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल दो, तीन और चार, डी, एक, दो, तीन और चार। उत्तर सी, केवल दो, तीन और चार। श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रियाएं। तीन, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने निम्न में से किसे आरंभ किया है? ए, एगमार्क, बी, इकोमार्क, सी, आईएसआई मार्क, डी, वाटरमार्क। उत्तर बी, इकोमार्क। चार, निम्न में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? ए, जी टेलर ने, बी, ई हटिंगटन ने, सी, डी आर स्टूडर्ट ने, डी, टॉन्सले ने। उत्तर डी, टॉन्सले ने। पांच, निम्न में से कौन से समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? ए, फाइटोप्लैंकटॉन्स, बी, समुद्री अपतृण, सी, समुद्री आवृतबीजी, डी, जलीय बायोफाइट्स। उत्तर ए, फाइटोप्लैंकटॉन्स। छह, निम्न में से कौन सा घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के साथ श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है? एक, घास टिड्डा मेंढक सर्प, बी, घास टिड्डा सर्प मेंढक, सी, टिड्डा मेंढक घास सर्प, डी, टिड्डा सर्प मेंढक घास। उत्तर ए, घास टिड्डा मेंढक सर्प। सात, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? एक, बबूल, यूकेलिप्टस, नीम, पीपल। उत्तर बी, यूकेलिप्टस। आठ, जैव वानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? एक, इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। दो, ये पारिस्थितिकी का पर्याय है। तीन, ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। कूट ए, केवल एक, बी, एक और दो, सी, दो और तीन, डी, एक, दो और तीन। उत्तर सी, दो और तीन। ये पारिस्थितिकी का पर्याय है और ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं। नौ, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ए, रासायनिक चक्र, बी, जैव भू रासायनिक चक्र, सी, भू वैज्ञानिक चक्र, डी, भू रासायनिक चक्र। उत्तर बी, जैव भू रासायनिक चक्र। दस, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। दो, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तीन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करता है। उत्तर ए, उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? एक, एक और दो, बी, एक और तीन, सी, दो और चार, डी, तीन और चार। उत्तर ए, एक और दो। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। दो, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। ग्यारह, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों के प्रयोग द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। एक, मृदा विनिर्माण, दो, मृदा अपरदन की रोकथाम, तीन, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, चार, सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। एक, केवल एक, दो और तीन, बी, केवल दो, तीन और चार, सी, केवल एक और चार, डी, एक, दो, तीन और चार। उत्तर डी, एक, दो, तीन और चार, यानी उपयुक्त चारों। बारह, इसमें से कौन सा कारक जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? एक, भंगुर परितंत्र जिसे मैंग्रोव और नम भूमि, बी, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, सी, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती,
डी आरक्षित जीव मंडल बनाना। उत्तर बी हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट। 13 सीबकथॉर्न के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्वता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनॉट ने इसके तेल का प्रयोग कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए किया था। भारत में यह पौधा कहां पाया जाता है? ए नागालैंड, बी लद्दाख, सी कोडई कनाल, डी पुदुचेरी। उत्तर सी कोडई कनाल। 14 भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 पूर्वी हिमालय, 2 पूर्वी घाट, 3 पश्चिमी घाट, 4 पश्चिमी हिमालय। कूट ए 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 एवं 4, डी केवल 3 और 4। उत्तर बी केवल 1 और 3, 1 पूर्वी हिमालय और 3 पश्चिमी घाट। 15 निम्न में से कौन सा सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? 1 यूकेलिप्टस, बी सिकुआ, सी देवदार, डी पर्णांग। उत्तर बी सिकुआ। 16 निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 काली गर्दन वाला सारस कृष्णग्रीव सारस, 2 चीता, 3 उड़न गिलहरी कंदली, 4 हिम तेंदुआ। उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? 1 केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर बी केवल 1, 3 और 4। काली गर्दन वाला सारस कृष्णग्रीव सारस, 3 उड़न गिलहरी कंदली और 4 हिम तेंदुआ। 17 सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, सी शंकुधारी वनों में, डी उत्तर ध्रुवीय वनों में। उत्तर ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पृष्ठ 44। 18 निम्नलिखित में से क्रायोबैंक एक्सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? 1 नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। उत्तर ए नाइट्रोजन। 19 निम्न में से किस घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? 1 शान घाटी में, बी कश्मीर में, सी सूरमा घाटी में, डी फूलों की घाटी में। उत्तर ए शान घाटी में। 20 भारत रामसर अभिसमय का एक पक्ष कार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? 1 इन सभी स्थलों को मनुष्य के लिए पूर्णतया अगम्य बना दिया गया ताकि उनका शोषण न किया जा सके। बी इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इनमें केवल पर्यटन मनोरंजन की अनुमति दी जाए। सी प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। डी इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। उत्तर डी इन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और साथ साथ उनके धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। 21 भारत की आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 आर्द्रभूमियों के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। 2 भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर केवल 1। आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। 22 निम्न में से कौन सा जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है?
ए घास स्थल के, बी कृषि उत्पादन के, सी वायुमंडलीय संतुलन के, डी अनुवांशिक विभिन्नता के। उत्तर डी अनुवांशिक विभिन्नता के। 23. निम्न में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ए सीसी पार्क ने, बी जे एन एन जेफर्स ने, सी जोसेफ फोरियर ने, डी एल जाबलर ने। उत्तर डी एल जाबलर ने। 24. निम्नांकित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? एक आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर, बी अमेजन वर्षावन, सी टैगा, डी भारतीय मानसून। उत्तर ए आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। 25. फ्रिजों में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है? एक अमोनिया, बी मेफ्रोन, सी मीथेन, डी एसिटिलीन। उत्तर बी मेफ्रोन। 26. नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं उसका प्रमुख कारण है? एक उग्रवाद, शहरीकरण, बी झूम कृषि, सी तीव्र जनसंख्या, डी वृद्धि। उत्तर बी झूम कृषि। 27. निम्न में से भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, डी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर डी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 28. बेतला पार्क कहां स्थित है? एक उत्तर प्रदेश में, बी झारखंड में, सी मध्य प्रदेश में, डी ओडिशा में। उत्तर बी झारखंड में। 29. सूची एक व सूची दो को सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची एक ए नवाबगंज पक्षी विहार, बी ओखला पक्षी विहार, सी समसपुर पक्षी विहार, डी पार्वती अरंगा पक्षी विहार। सूची दो एक गोंडा, दो उन्नाव, तीन गाजियाबाद, चार रायबरेली। कूट ए 2431, बी 2341, सी 4312, डी 3421। उत्तर बी 2341। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा। 30. बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। उत्तर बी राजस्थान। 31. कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल निम्न में से किस नदी से प्राप्त करता है? एक अलकनंदा नदी से, बी रामगंगा नदी से, सी धौली गंगा नदी से, डी शारदा नदी से। उत्तर बी रामगंगा नदी से। 32. सूची एक व सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची एक ए गिरवन, बी भरतपुर बर्ड सेंचुरी, सी बांधवगढ़ सेंचुरी, डी काजीरंगा सेंचुरी। सूची दो राजस्थान, दो मध्य प्रदेश, तीन असम, चार गुजरात। कूटे 4132, बी 4123, सी 42-3, डी 3142। उत्तर बी 4123। गिरवन गुजरात, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश, काजीरंगा सेंचुरी असम। 33. वायुमंडल में द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार स्थायी गैसों के सही अवरोही क्रम को चुनें। एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन आर्गन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन, डी ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर्गन। उत्तर ए नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड। 34. निम्नवत में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ए 170 किलोमीटर, बी 190 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर, डी 90 किलोमीटर। उत्तर सी 120 किलोमीटर। पृष्ठ 45। 35. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी तथा पार्थिव विकिरण के लिए पारदर्शी है। तीन कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले संस्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों कोल्ड एयर मासेस से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। ए केवल एक, बी दो एवं तीन, सी एक एवं तीन, डी एक दो एवं तीन। उत्तर सी एक एवं तीन। एक
विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है तथा तीन कोष्ण वायु संहतियों से प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। 36. वायुमंडल की निम्नवत चार परतें दी गई हैं, एक आयन मंडल, बी दो मध्यमंडल, तीन समताप मंडल और चार क्षोभ मंडल। ऊंचाई के अनुसार उनका सही अवरोही क्रम है, एक एक दो तीन चार, बी दो एक चार तीन, सी चार तीन दो एक, डी तीन चार एक दो। उत्तर सी 4321। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयन मंडल। 37. निम्न में से किस वायुमंडलीय परत में अधिकांश मौसम गतिविधियां होती हैं, ए ओजोन मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी बहिर्मंडल। उत्तर सी क्षोभ मंडल। 38. समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ए इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है, बी इस परत में तापमान सम रहता है जो इंजन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, सी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, डी ये परत विमान भेदी शास्त्रों की मारक सीमा से बाहर है। उत्तर सी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। 39. निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है, एक मर्केली स्केल, बी फुजीटा स्केल, सी साफिर सैमसन स्केल, डी रिक्टर स्केल। उत्तर बी फुजीटा स्केल। 40. तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यूटर्न लेती है, ये यूटर्न क्यों बनता है, ए वलित हिमालयी श्रेणियों के उत्थान के कारण, बी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघनीय नमन के कारण, तीन तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण, डी उपरोक्त ए और बी दोनों के कारण। उत्तर बी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्षसंघनीय नमन के कारण। 41. निम्न में से कौन से क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र हैं, ए तिब्बत बांग्लादेश भारत, बी भारत चीन बांग्लादेश तिब्बत, सी भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, डी बांग्लादेश पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल। उत्तर ए तिब्बत बांग्लादेश भारत। 42. कथन ए प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारणार्थ नर्मदा और तापी नदियां विक्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 43. निम्नलिखित में से कौन सी नदी तीन बार दो धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, ए कावेरी, बी तुंगभद्रा, सी कृष्णा, डी गोदावरी। उत्तर ए कावेरी। 44. प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई, बी सुवर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेंगई और पेन्नार, सी महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, वेंगई और कृष्णा, डी महानदी, सुवर्णरेखा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, वेंगई और पेन्नार। उत्तर ए सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। 45. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, एक महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बी गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, डी ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। उत्तर सी कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है।
46. भारत की निम्नलिखित नदियों के घाटों में किन में जल का अभाव है? एक साबरमती घाट, दो ताप्ती घाट, तीन कृष्णा घाट, चार कावेरी घाट. नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. कूट. ए. एक तथा दो, बी दो तथा तीन, सी एक दो तथा तीन, डी एक तीन तथा चार. उत्तर ए. एक तथा दो, साबरमती घाट और दो ताप्ती घाट. प्रश्न 46. 47. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. एक, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं. दो, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं. उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो. उत्तर डी, न तो एक और न ही दो. 48. दामोदर निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ए गंगा, बी हुगली, सी पद्मा, डी सुवर्णरेखा. उत्तर बी, हुगली. 49. निम्न नदियों में से किस नदी ने सबसे अधिक नदीपद परिवर्तन किया है? ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, डी गंगा नदी. उत्तर सी, कोसी नदी. 50. खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? वो है ए अरब सागरीय, बी आंतरिक अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह, डी बंगाल की खाड़ी. उत्तर डी, बंगाल की खाड़ी. 51. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ए गोरखपुर राप्ती, बी लुधियाना रावी, सी जबलपुर नर्मदा, डी सूरत ताप्ती. उत्तर बी, लुधियाना रावी. 52. सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें. सूची 1 ए कटक, बी लुधियाना, सी नासिक, डी उज्जैन. सूची 2 ए गोदावरी, दो शिप्रा, तीन महानदी, चार सतलुज. कूट ए 3412, बी 3214, सी 4132, डी 1234. उत्तर ए 3412. कटक, महानदी, लुधियाना, सतलुज, नासिक, गोदावरी, उज्जैन, शिप्रा. 53. निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक जलप्रपात, कपिल धारा प्रपात, दो जोग प्रपात, तीन शिव समुद्रम प्रपात, नदी गोदावरी, शरावती और कावेरी. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए. ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक दो और तीन. उत्तर बी, केवल दो और तीन, जोग प्रपात शरावती और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी. 54. भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? ए दक्षिण से उत्तर, बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व. उत्तर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व. 55. भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? एक पूर्वी तटीय प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों में, डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में. उत्तर डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में. 56. तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? एक मार्च अप्रैल, बी जून जुलाई, सी सितंबर अक्टूबर, डी नवंबर दिसंबर. उत्तर डी, नवंबर दिसंबर. 57. भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है जिसका कारण है? ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बी मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अति एक समानता, डी उपरोक्त में से कोई नहीं. उत्तर ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन. 58. सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं व सूची 2 प्रदेशों को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए. सूची 1 प्राकृतिक आपदाएं, ए बाढ़, बी भूकंप, सी सूखा, डी चक्रवात. सूची 2 प्रदेश, एक हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र, दो झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा, तीन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, चार मध्य पूर्वी भारत. कूट ए 3124, बी 3142, सी 2314, डी 4231. उत्तर बी 3142. बाढ़,
उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। भूकंप, हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। सूखा, मध्य पूर्वी भारत। चक्रवात, झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। 59, कथने, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारणार, हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। 60, बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक क्यों आते हैं। ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। बी, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवातों के बनने में सहायक होते हैं। सी, अंडमान और निकोबार की लंबी द्वीपों के श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है। डी, शंकवार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर ए, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। 61, कथने, दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं। कारणार, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। 62, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। ए, जलोढ़ मिट्टी। बी, लेटराइट मिट्टी। सी, कपास की काली मिट्टी। डी, मरुस्थलीय मिट्टी। उत्तर सी, कपास की काली मिट्टी। 63, कथन ए, पश्चिम बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। कारणार, अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला लेटराइट प्रकार की है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए सही है तथा ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। पृष्ठ 47। 64, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है। एक, मालवा पठार। बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। सी, दंडकारण्य। डी, मेघालय पठार। उत्तर बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। 65, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं प्रोसेस ऑफ सॉइल एंड इरोजन के सही क्रम को पहचानिए। एक, आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन, अवनालिका अपरदन। बी, परत अपरदन, आसफाल अपरदन, अवनालिका अपरदन, रिल अपरदन। सी, रिल अपरदन, अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, आसफाल अपरदन। डी, अवनालिका अपरदन, रिल अपरदन, परत अपरदन, आसफाल अपरदन। उत्तर ए, आसफाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन, अवनालिका अपरदन। 66, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। एक, बोहिनिये वेरिगेटा। बी, जैकेरांडा मेमोसा फेलिया। सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। डी, टेक्टोना ग्रांडिस। उत्तर सी, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। 67, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 ए, सागौन। बी, देवदार। सी, सुंदरी। डी, सिंकोना। सूची 2 एक, हिमालय की तराई। 2, मध्य भारत। 3, सुंदरबन। 4, हिमालय के उच्च क्षेत्र। कूट ए, 2431। बी, 3214। सी, 4132। डी, 1234। उत्तर ए, 2431, सागौन, मध्य भारत। देवदार, हिमालय के उच्च क्षेत्र। सुंदरी, सुंदरबन, सिंकोना, हिमालय की तराई। 68, निम्न में से कौन सा वृक्ष सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। एक, शीशम। बी, ढाक।
सी यूकेलिप्टस, डी खेजड़ी। उत्तर डी खेजड़ी। 69 भाखड़ा नांगल निम्न में से किसकी एक संयुक्त परियोजना है? ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। उत्तर ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की। 70 मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ए दामोदर, बी बाराकर, सी कोनार, डी बोकारो। उत्तर बी बाराकर। 71 कथन ए दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारणार्थ दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 72 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ए मूंगफली, बी मक्का, सी मसूर, डी धान। उत्तर सी मसूर। 73 किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ए चावल और गेहूं के, बी गेहूं और गन्ना के, सी चावल और गन्ना के, डी गेहूं और दाल के। उत्तर बी गेहूं और गन्ना के। 74 मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? एक अत्यंत सिंचित परिस्थितियों के लिए, बी विलंबन से बुआई के लिए, सी असिंचित परिस्थितियों के लिए, डी उपरोक्त में से किसी के लिए भी नहीं। उत्तर सी असिंचित परिस्थितियों के लिए। 75 महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ए गेहूं, बी मक्का, सी कपास, डी गन्ना। उत्तर सी कपास। 76 गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि ए पौधा बढ़ने की अवधि में अधिक वर्षा हो जाए, बी पकने की अवधि में पाला गिर जाए, सी पौधा बढ़ने की अवधि में तापमान में कमी वृद्धि हो जाए, डी पकने की अवधि में तापमान बहुत अधिक हो। उत्तर बी पकने की अवधि में पाला गिर जाए। पृष्ठ 48। 77 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक ईरी रेशम असम, बी मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, सी शहतूत रेशम झारखंड, डी टसर रेशम कर्नाटक। उत्तर ए ईरी रेशम असम। 78 मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। निम्न में से किस प्रदेश में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ए असम में, बी बिहार में, सी कर्नाटक में, डी तमिलनाडु में। उत्तर ए असम में। 79 भारत के किस राज्य में कहवा रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? ए कर्नाटक, बी मेघालय, सी गोवा, डी महाराष्ट्र। उत्तर ए कर्नाटक। 80 भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है? ए चाय रबड़ नारियल कहवा, बी चाय रबड़ सूर्यमुखी सोयाबीन, सी चाय केला अंगूर नारियल, डी चाय रबड़ नारियल सोयाबीन। उत्तरे चाय रबड़ नारियल कहवा। 81 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। एक चाय असम की मुख्य फसल है, दो कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, तीन तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाया जाता है, चार जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है। कूट ए एक एवं दो, बी एक एवं तीन, सी एक एवं चार, डी ए दो एवं तीन। उत्तर बी एक एवं तीन। एक चाय असम की मुख्य फसल है और कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है। 82 सूची एक व सूची दो को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। सूची दो एक जूट चाय रबड़ गन्ना, सूची दो असम केरल पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश। कूटे 3124, बी 4312, सी 2431, डी 1234। उत्तरे 3124 जूट पश्चिम बंगाल, चाय असम, रबड़ केरल, गन्ना उत्तर प्रदेश। 83 केसर की सबसे अधिक मात्रा निम्न में से किस स्थान पर उत्पन्न होती है? एक पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, बी कश्मीर में, सी केरल में, डी गोवा में। उत्तर बी कश्मीर में।
84. निम्न में से कौन सी आम की बीज रहित प्रजाति है? एक रत्ना, बी बॉम्बे ग्रीन, सी कृष्णा भोग, डी सिंधु। उत्तर डी सिंधु। 85. बोरलॉग पुरस्कार निम्न में से किस एक वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? ए औषधि, बी अंतरिक्ष अनुसंधान, सी परमाणु भौतिक, डी कृषि विज्ञान। उत्तर डी कृषि विज्ञान। 86. निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक अन्य राज्य की विशेषताएं हैं। एक, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है। दो, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। सी तीन, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। उपरोक्त सभी विशिष्टताएं निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती हैं? एक आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। उत्तर बी गुजरात। 87. निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त रॉक तंत्र है? एक कड़प्पा तंत्र, बी धारवाड़ तंत्र, सी गोंडवाना तंत्र, डी विंध्य तंत्र। उत्तर बी धारवाड़ तंत्र। 88. निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? ए पश्चिम में, बी दक्षिण में, सी उत्तर में, डी दक्षिण पूर्व में। उत्तर डी दक्षिण पूर्व में। 89. भारत में लोह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? एक विंध्यन, बी कड़प्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। उत्तर सी धारवाड़। 90. निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? एक केसली मंडला, बी डल्ली राजहरा दुर्ग, सी बेलाडीला बस्तर, डी मलाजखंड बालाघाट। उत्तर डी मलाजखंड बालाघाट। 91. जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए ज्वालामुखियों के विस्फोट से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी महाद्वीपीय विस्थापन से, डी नाभिकीय सिद्धांत से। उत्तर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। 92. निम्न में से किस रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, डी अनियमित गैलेक्सी के रूप में। उत्तर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। पृष्ठ 49। 91. जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ए ज्वालामुखियों के विस्फोट से, बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, सी महाद्वीपीय विस्थापन से, डी नाभिकीय सिद्धांत से। उत्तर बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। 92. निम्न में से किस रूप में आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, बी विद्युत गैलेक्सी के रूप में, सी गोलाकार गैलेक्सी के रूप में, डी अनियमित गैलेक्सी के रूप में। उत्तर ए सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। 93. हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? ए 27 करोड़ वर्ष, बी 25 करोड़ वर्ष, सी 2.5 करोड़ वर्ष, डी 70 करोड़ वर्ष। उत्तर बी 25 करोड़ वर्ष। 94. ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी आइंस्टाइन, डी कॉपरनिकस। उत्तर डी कॉपरनिकस। 95. सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? एक पृथ्वी और बृहस्पति, बी बृहस्पति और शनि, सी शनि और पृथ्वी, डी शनि और वरुण। उत्तर बी बृहस्पति और शनि। 96. निम्न में से कौन से ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं? ए मंगल एवं बुध, बी मंगल एवं शुक्र, सी बुध एवं शुक्र, डी बृहस्पति एवं शनि। उत्तर सी बुध एवं शुक्र। 97. निम्न में से किसने कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ए सीवी रमन ने, बी एस चंद्रशेखर ने, सी हरगोविंद खुराना ने, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर बी हरगोविंद खुराना ने। 98. प्रकाशवर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? एक समय की, बी दूरी की, सी चमकीलेपन की, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर बी दूरी की। 99. कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कारणार, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 100. निम्न में से किसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है?
एक नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी ऑक्सीकरण द्वारा, सी नाभिकीय संलयन द्वारा, डी उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। उत्तर सी नाभिकीय संलयन द्वारा। पृष्ठ 50 पर विज्ञापन दिया गया है। पृष्ठ 51।